इस इमरजेंसी लाइट को बनाने के लिए हमें दोस्तों पीवीसी शीट चाहिए और पीवीसी शीट से हमें एक पीस कट करना है। उसका मेजरमेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसका दोस्तों दो पीस कट करना है इसी मेजरमेंट का, तो जल्दी से कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने दोनों पीस को कट कर लिया है। तो उसके बाद दोस्तों इसे फिनिशिंग करने के लिए सैंड पेपर पे अच्छे से घिस लेना है, तो जल्दी से घिस लेते हैं। तो इसे मैंने दोस्तों फिनिशिंग कर दिया है अच्छे तरीके से। तो उसके बाद दोस्तों मैंने कुछ पीस कट किया है 2x8 सेंटीमीटर का। ये पीस को दोस्तों हम यूज करेंगे आगे में पीछे में लगाने के लिए, और दोस्तों ऊपर भी ये पीस का यूज करेंगे दोस्तों हम। इसलिए दोस्तों मैंने पीछे का और आगे का पीस कट कर दिया है, और दोस्तों साइड का भी पीस कट कर दिया है। दोस्तों बैटरी, ये दोस्तों लिथियम बैटरी है 3000 mAh का, आप कोई सा भी बैटरी का यूज कर सकते हो। मैंने दोस्तों लिथियम बैटरी का यूज किया है। और उसके बाद दोस्तों एक चार्जिंग मॉड्यूल इस बैटरी को चार्ज करने के लिए, और एक LED दोस्तों आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। मैंने फिलहाल ये वाला यूज किया है, ये दोस्तों 4 वोल्ट पे अच्छे से वर्क करती है। और इस LED को ऑफ ऑन करने के लिए एक स्विच आप कोई सा भी लगा सकते हो। तो जो इसका आगे में जो पीस लगेगा उसे हमें ले लेना है, और जो LED है इसको दोस्तों कुछ इस टाइप से यहाँ पर हमें चिपकाना है, तो जल्दी से चिपका लेते हैं। सीट को कुछ इस टाइप से यहाँ पर चिपकाना है, लेकिन उससे पहले दोस्तों चार्जिंग मॉड्यूल और बैटरी को यहाँ पर हमें चिपका लेना है, जल्दी से चिपका लेते हैं। दोस्तों बैटरी पे मैंने वायर को कनेक्ट कर दिया है। B+ पे दोस्तों बैटरी का प्लस को हमें कनेक्ट कर देना है, और B- पे बैटरी का माइनस को कनेक्ट करना है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें 3 वायर कनेक्ट करना है, वो क्यों करना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। और उसके लिए दोस्तों हमें एक और स्विच भी चाहिए, तो वो भी दोस्तों मैंने ले लिया है ये वाला। दोस्तों मैंने 3 वायर लिया है, और 3 वायर को इन 3 पॉइंट पे हमें कनेक्ट कर देना है, तो जल्दी से कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो होल है वहाँ पर हमें थोड़ा सा पीवीसी शीट पे भी होल कर देना है दोस्तों। और उसके बाद 3 वायर को दोस्तों इसके अंदर से निकाल लेना है हमें। तो 3 वायर को मैंने दोस्तों क्यों कनेक्ट किया है वो भी दोस्तों बता देता हूँ। तो दोस्तों ये जो पूरा पैनल है इसमें दोस्तों एक रेड कलर की LED लगी है, देख सकते हो। इसे दोस्तों आप नाइट में सोने के वक्त यूज कर सकते हो। जो दोस्तों ये ग्रीन कलर की वायर है, ये दोस्तों इसका माइनस है, देख सकते हैं। मैंने माइनस पे लगाया और एक को प्लस पे, तो ये जल रही है। तो ये दोस्तों LED का जो वाइट LED का है वो वाला है, और ये दोस्तों रेड LED का, देखो अभी रेड LED जल रही होगी, मैं अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देख सकते हैं रेड LED जल रही है, तो इसी टाइप से वर्क करेगी। तो येलो वायर को छोड़ के ये जो दोनों का माइनस है इसे दोस्तों हमें कनेक्ट कर देना है B- पे, तो जल्दी से कर लेते हैं। आउटपुट माइनस पे भी कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट B- पे ही कनेक्ट कर दिया है। इन दोनों पॉइंट पे क्या करना है दोस्तों, हमें स्विच लगा देना है कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर जो वायर निकलेगी ये दोस्तों डायरेक्ट B+ में लग जाएगी। और इसमें भी दोस्तों सेम करना है, ये इसे अगर ऑन करेंगे तो रेड वाली LED जलेगी, और इस वाले स्विच को ऑन करेंगे तो ये वाली LED जलेगी। तो कुछ इस टाइप से होने वाली है दोस्तों 2-in-1। पहले दोस्तों इसको हमें यहाँ पर चिपका लेना है, जल्दी से चिपका लेते हैं। इसको चिपकाने से पहले दोस्तों यहाँ पर मैं एक और वायर को कनेक्ट करूँगा, एक ही साथ मैंने 2 वायर को कनेक्ट कर दिया है। इसको जलाने से देख सकते हैं रेड जल रही है, और इसको करने से पूरा वाइट जलेगी, देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर हम स्विच लगा देंगे, वो दोस्तों आपको अच्छे से अभी समझ में नहीं आ रही होगी, आगे आपको अच्छे से पता चल जाएगी। अगर नहीं पता चलेगी तो मैं डायग्राम या फिर आपको बता दूंगा अच्छे से। दोस्तों इस LED को यहाँ चिपकाना है, और इस बैटरी को यहाँ, तो जल्दी से इसे भी कर लेते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा अंदर करके हमें चिपकाना है। दोस्तों जो इसका पीछे का पीस है, दोस्तों इसका नीचे का जो पीस है इसे भी दोस्तों हमें चिपका लेना है, जल्दी से चिपका लेते हैं।
इसका जो साइड का पीस था वहाँ पर मैंने दोस्तों चार्ज होने के लिए भी कट लगा दिया है। और दोस्तों यहाँ पर एक स्विच को जो मैंने दिखाया था वो लगाऊंगा दोस्तों, कुछ इस टाइप से यहाँ लगेगी। और इसके लिए भी मैंने ग्रुप कटिंग कर दिया है, तो कुछ इस टाइप से ये लगेगी, तो देख सकते हैं दोस्तों। तो इस ग्रुप कटिंग में दोस्तों कुछ इस टाइप से यहाँ पर हमें स्विच को चिपका देना है, जल्दी से चिपका लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जो रेड कलर की ये लेडी है उसका दोस्तों हमें कनेक्शन करना है, यहाँ पर इस स्विच को लगाना है। बड़ा वाला स्विच दोस्तों यहाँ पर मैं ऊपर पे लगाऊंगा और इसको दोस्तों नीचे पे, तो इन दोनों पॉइंट को दोस्तों इस स्विच के साथ कनेक्ट कर देना है, जल्दी से कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इस पीस को हमें कुछ इस टाइप से यहाँ पर चिपका देना है, जल्दी से चिपका लेते हैं। ऊपर वाला पीस था यहाँ पर दोस्तों मैंने एक ग्रुप कटिंग कर लिया है इस स्विच को लगाने के लिए, ये दोस्तों कुछ इस टाइप से यहाँ पर लग जाएगी, इसे भी जल्दी से लगा लेते हैं। स्विच को मैंने चिपका लिया है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें दोनों वायर को सोल्डरिंग कर देना है, जल्दी से कर लेते हैं। दोस्तों इस पीस को कुछ इस टाइप से यहाँ पर दोस्तों हमें चिपका देना है, जल्दी से चिपका लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से इस पीस को चिपका लिया है, तो उसके बाद दोस्तों इस पीस को भी चिपका लेना है, तो जल्दी से चिपका लेते हैं। और दोस्तों एक्स्ट्रा पीस है तो इसे भी दोस्तों हमें कट कर देना है, तो इसे भी कट कर लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों इस ऊपर वाले पीस को भी चिपका देना है, जल्दी से चिपका लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इसे अच्छे से फिनिशिंग कर देना है। और दोस्तों फिनिशिंग करने के बाद बस दो चीज अब बची है इसके अंदर जो कि हमें करना है, तो सबसे पहले फिनिशिंग अच्छे से कर लेते हैं। अच्छे से घिस लिया, अब दोस्तों क्या करना है आपको कपड़े से अच्छे से साफ कर देना है इसको। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए मोटर वाइंडिंग पेपर, और उसको दोस्तों किसी इस टाइप से रख देना है नीचे पे, और इसके बाद इसको रखने के बाद चारों तरफ से अच्छे से दोस्तों हमें फेविक्विक मार देना है। दोस्तों इसका एक्स्ट्रा पीस को हमें कट कर देना है, तो जल्दी से कर लेते हैं। दोस्तों मैंने एल टाइप का एक पीस को कट कर लिया है, इसको दोस्तों कुछ इस टाइप से हमें चिपका देना है यहाँ पर, तो जल्दी से इसे भी चिपका लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी हमें अच्छे से फेविक्विक डाल देना है। दोस्तों एक और बार इसको अच्छे से फिनिशिंग कर देना है, तो मैं इसको फिनिशिंग करके आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों मैंने फिनिशिंग अच्छे से कर दिया है फिर से एक और बार, तो अब दिख रही है दोस्तों एकदम मस्त। तो अब दोस्तों मैं इसका चार्जिंग टेस्ट करके आपको पहले दिखा देता हूँ, तो मैं इसका चार्जिंग टेस्ट करा देता हूँ, चार्ज हो रही है या फिर नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों अच्छे तरीके से हो रही है, मैं लाइट बंद कर देता हूँ, तो देख सकते हैं अच्छे तरीके से आप दिख रही होगी दोस्तों आपको, तो चार्ज अच्छे तरीके से हो रही है। तो इसे खोल लेता हूँ मैं और सभी लाइट को बंद कर देता हूँ दोस्तों। तो अब इसको जलाते हैं दोस्तों, तो अब इसको ऑन करता हूँ, तो देख सकते हैं काफी ज्यादा रोशनी दे रही है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों काफी ज्यादा अच्छी रोशनी है इसका। तो दोस्तों एक और चीज को मैं दोस्तों आपको टेस्ट करा देता हूँ, तो एक और स्विच कहाँ गया यहाँ, तो देख सकते हैं दोस्तों पूरा ऑरेंज कलर का भी जल रही है। इसे दोस्तों आप सोने वक्त यूज कर सकते हो, पूरा देख सकते हैं ऑरेंज हो चुकी है यहाँ पर।